हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और एक लंबे इंटरवल के बाद फिर से हाजिर हैं आपके सामने लेके एंटरटेनमेंट का एक डोज। जी हाँ, मतलब लॉकडाउन के बाद से तो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी इंडस्ट्री। कल माहौल भी इतना खराब हो चुका है ना कि बॉलीवुड में तो कोई हिम्मत कर नहीं रहा है मूवी वूवी बनाने की, या फिर बना भी रहे हैं तो उसका ट्रेलर इतनी जल्दी से लॉन्च वॉन्च कर नहीं रहे। पता नहीं क्या हो गया, लास्ट टाइम सड़क टू का ट्रेलर देख के लोग इतना क्यों घबरा गए हमारी समझ में नहीं आया। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। देखिए यार, बॉलीवुड से तो कोई ज़्यादा खास उम्मीद रखते नहीं हम, लेकिन जो हमारी साउथ की इंडस्ट्री है ना, वो इतनी ज़्यादा औसम है कि कभी भी कुछ भी कर देती है। थोड़े दिन पहले देखा होगा KGF 2 का जो एक मोशन पोस्टर निकाल दिया था उन्होंने। ऑल दो मूवी रिलीज होने वाली थी 29 अक्टूबर को, अब पता नहीं कब होगी। बट जो अब उन्होंने किया है ना, वो है प्रभास, डार्लिंग प्रभास को लेके आए हैं। वो उनका एक जो मोशन पोस्टर है वो रिलीज़ किया है उनकी मूवी का, एंड मूवी का नाम है गाइस आदि पुरुष। रामचंद्र जी आ रहे हैं। जी हाँ, मतलब वो लेके आए हैं प्रभास, उस रोल को प्ले करने वाले हैं स्क्रीन पे। आप समझ सकते हो कितने बड़े लेजेंड हैं वो और कितना बड़ा रोल वो प्ले करने की सोच रहे हैं। अब मतलब एक बंदा है जो जस्टिफाई कर सकता है ना, वो बॉलीवुड में कोई नहीं कर सकता, मैं लिख के दे सकता हूँ। इसके लिए प्रभास बहुत सही कैरेक्टर है और वो ही इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकता है। देखो, हनुमान जी का जो रोल है ना, वो एक ऐसा रोल है कि जहाँ श्री राम आते हैं ना, वहाँ हनुमान जी ज़रूर होते हैं। अब आप समझ सकते हो कि श्री राम का रोल तो फिक्स हो गया, अब हनुमान जी का रोल किसको करना है ना, मेरे को तो ये जानना है भाई। और भाई रावण एक जो इतनी ज़बरदस्त तरीके से पर्सोनिफाइड करेगा, मतलब अपनी आपकी पर्सनैलिटी को बाहर लेके आएगा, ऐसा एक कैरेक्टर चाहिएगा। अगर बजट की बात करें ना, 500 करोड़ का बजट है भाई साहब मूवी का, इतने में तो हमारे 3 राम मंदिर बन जाएंगे जितने में एक मूवी बन रही है। क्या जब हम प्रभास की बात करते हैं ना, तो बिग बजट मूवीज़ की बात अपने आप होने लगती है, क्योंकि बाहुबली से आप समझ सकते हैं कि बड़ी मूवी थी वो। और अब जब वो राम जी का वो प्ले करने वाले हैं पूरा का पूरा, मतलब कैरेक्टर इतने सारे हैं, इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर्स होने वाले हैं उसमें, कि उनको स्क्रीन पे लेके आने के लिए बहुत ज़बरदस्त सेट की ज़रूरत होगी, VFX की ज़रूरत होगी। एंड उस वजह से इस मूवी का भी बजट ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही होगा, तो इसीलिए वो 500 करोड़ का अप्रॉक्स बता रहे हैं। और भाई डायरेक्टर है ओम राउत, जिन्होंने अभी तानाजी जैसी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर 2020 की दी थी। सच में यार, वो मूवी आपने अगर नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए, वो बहुत सही मूवी है। एंड ऐसे डायरेक्टर से ही उम्मीद की जा सकती है कि वो इतनी अच्छी मूवी को जो बना सकते हैं। मतलब रामायण जैसी चीज़ों को स्क्रीन प्ले कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे सेंटीमेंट्स और इमोशंस जो है ना उनके साथ जुड़े होते हैं। प्रभास की जो अपकमिंग मूवीज थी राधेश्याम और जान, वो इस मोशन पोस्टर को लेके आए हैं इसके बीच में, तो आप समझ सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा ये चीज़ डिसाइड करना कि इसको अभी करना है, ट्रेलर को कब लाना है, एंड मूवी ये कब सोच रहे हैं लाने की, तो ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा गाइस। तो गाइस, ये था आदि पुरुष के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू जो कि आज रिलीज हुआ है, मोशन पोस्टर एंड ट्रेलर का इंतजार रहेगा। तो अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल बनाई हो तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड अगर आप भी प्रभास के बड़े फैन हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताओ यार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में, बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे कोई एक नया अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कर देना, समझे।